ये है टॉक्स न्यूज़ नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पुत्र वैभव गहलोत और मोदी सरकार के मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के बीच आमना सामना होने की वजह से राजस्थान की सबसे हॉट बन चुकी जोधपुर सीट पर मंगलवार का दिन सियासी गहमा गहमी से भरा रहा। वैभव गहलोत की ओर से नामांकन दाखिल करने के बाद पावटा चौराहे पर हुई सभा में स्थानीय लोगों के अलावा प्रदेश की पूरी कांग्रेस उमड़ पड़ी। ऐसा कोई नेता नहीं बचा जो जोधपुर नहीं पहुंचा। सभा में अशोक गहलोत और वैभव गहलोत के पक्ष में जमकर नारेबाजी हुई, लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान खींचा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के एक बयान। अपने संबोधन में पायलट ने ये कहकर सबको चौंका दिया कि अशोक गहलोत ने वैभव गहलोत के लिए टिकट नहीं मांगा। उन्होंने कहा कि दिल्ली में वैभव गहलोत की जमानत मैं देकर आया हूं। आप भी सुनिए सचिन पायलट दिल्ली में वैभव गहलोत की किस बात की जमानत देकर आए हैं। आप अशोक गहलोत जी के पुत्र हो सकते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी में आपने 12-15 साल काम किया है, तो मैं आपको एक बात इसलिए बता रहा हूं कि दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के सामने वैभव गहलोत की जमानत मैं देकर आया हूं, इसलिए आप लोगों को जिताना है। तो सुना आपने, यदि नहीं तो फिर से सुनिए कि दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के सामने वैभव गहलोत की जमानत मैं देकर आया हूं, इसलिए आप लोगों को जिताना है। सभा में सीएम अशोक गहलोत ने भी अपने संबोधन में सचिन पायलट के कहे पर मुहर लगाई। उन्होंने कहा कि वैभव को लेकर जो जोधपुर से आवाज आई, उसको लेकर विवेक बंसल, सचिन पायलट और अविनाश पांडे ने आंकलन किया और पार्टी ने टिकट दिया। गहलोत ने कहा कि मैंने वैभव को कई चुनाव नहीं लड़ने दिए और ना ही पद लेने दिया। इस बार कई जगह से वैभव का नाम चला, लेकिन लोगों की सलाह से जोधपुर फाइनल किया गया, सबकी राय से टिकट दिया गया। सीएम अशोक गहलोत ने अपने भाषण में सचिन पायलट के साथ रिश्तों में खटास का भी खंडन किया। उन्होंने कहा कि मीडिया सचिन और मेरा झगड़ा दिखाता रहता है, जबकि हमारे बीच कोई झगड़ा नहीं है। हम करौली में एक बाइक पर बैठे, पायलट गाड़ी चला रहे थे और मैं बैठा था। विधानसभा चुनाव मैंने पायलट के लड़ने की बात आगे रख कर रखी थी। सभा में पूरे प्रदेश के बड़े कांग्रेसी नेता मौजूद रहे। आपको बता दें कि जोधपुर में वैभव गहलोत का मुकाबला बीजेपी के गजेंद्र सिंह शेखावत से है। चुनाव प्रचार के दौरान वैभव अपने पिता की मजबूत छवि को चुनावों में भुनाने में जुटे हैं, जबकि गजेंद्र सिंह शेखावत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट मांग रहे हैं। पॉलिटॉक्स के लिए जोधपुर से दिनेश डांगी की रिपोर्ट। ये है टॉक्स न्यूज़ नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।